ऐसा मत कहिए गायत्री बहन, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपनी गृहस्थी की पूरी बागडोर मेरे हाथ में सौंप दी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन एक शिकायत आपसे रहेगी। और वो मिश्रा सर कितने फनी है ना। हाँ, और वो अलजेब्रा के फॉर्मूला तो मुझे समझ में ही नहीं आते। अंशु जी। माँ, किससे बातें हो रही है? वो किसी से भी तो नहीं। पर मैंने तो सुना, तो कुछ तो बोल रहा था वो। माँ, अलजेब्रा के फॉर्मूला दोहरा रहा था, वो बहुत टफ है ना। ठीक है, क्या कर रही हैं? नैतिक, आपने जो रिसर्च की थी ना, वही देख रही हूँ, और उस हिसाब से मैं अपना ड्यू डेट कैलकुलेट कर रही हूँ। अरे वाह, चलिए दोनों मिलकर साथ में कैलकुलेट करते हैं। हाँ, चलिए। हाँ, भाभी माँ, आप क्यों आ गई? मैं आपका नाश्ता कमरे में ही भिजवा रही थी। बस बस छोटी दुल्हन, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कमरे में भी परेशान हो जाती हूँ मैं। राजवन्ना का जरूरी फोन कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। भाभी माँ, आप ये सब रहने दीजिए, आइए बैठिए, आइए बैठिए। बहू राम, संभल के, कितनी बार तो कहा है धीरे चला करो। सॉरी माँ, मेरा ध्यान ही नहीं रहता है। एक बार वजन बढ़ जाएगा ना बहू, तब खुद चाल धीमी हो जाएगी। आओ बेटा, नाश्ता करो। तू क्या लेगा मुन्ना? जो भी आप प्यार से खिला देंगे। बाबू जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो हमेशा इतने प्यार और इज्जत से बात करता था, पता ही नहीं चला कि इस सबके पीछे उसकी ये मंशा है। हाँ दादा, इतने दिन से हम उससे बात कर रहे हैं, ये किसान भूमि वाली बात का तो उसने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन कुछ भी कहो अम्मी, चूक तो हमसे भी हुई है। बहुरानी, ये लो नारियल पानी। हम जाके बात करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात शुरू की बेटा। लो, नारियल पानी से बच्चे का रंग साफ होगा, बिल्कुल मेरे मुन्ना की तरह। और नहीं तो? नहीं तो सांवला होगा। ये तो और भी अच्छी बात है ना, हमारे कन्हैया भी तो सांवले ही है। श्यामवन, अब उनसे ज्यादा सुंदर जग में तो और कोई है ही नहीं। हमारे होने वाले बच्चे में अगर उनकी थोड़ी सी भी छवि हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। क्यों भाभी माँ? सच बाबूजी, वो तो बहुत ही बेईमान निकला। इससे पहले कि वो हमें कोई और नुकसान पहुंचाए, हमें उसकी शिकायत लगा देनी चाहिए। चिंता तो हमें इस बात की है कि अब सिंघानिया साहब का भी नाम इस परियोजना के साथ जुड़ गया है। हाँ बाबूजी जी, मैंने मेल कर दिया है। माँ, मैं आया। बेटा, अभी फल काटे हैं, खा के जा। हाँ। लो बहू, लड्डू लो। माँ, अभी मन नहीं कर रहा है, और अब देखिए ना, इसमें कितना सारा ड्राई फ्रूट भी है। देखिए, कोई इतनी अच्छी चीज को मना करता है क्या? ले। हाँ अक्षरा, खा लीजिए, आप बहुत लकी हैं, माँ के हाथ से हमें लड्डू खाने को कहाँ मिलते हैं। अच्छा, आजा, तू यहाँ आजा, मैं तुझे लड्डू खिलाती हूँ। ये ले, हाँ, ले। अक्षरा, अरे पायल, आओ। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण। और कैसी हो? अच्छी हूँ। वो एक्चुअली मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा तुम्हें ये प्रसाद देती जाऊं। लगता है कोई खास प्रसाद है, सिर्फ सहेलियां ही खा सकती हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, वो मेरे हस्बैंड मेरी प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी के लिए दुआ मांगने गए थे। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, खुश रहो, स्वस्थ रहो। अरे अक्षरा, ये तुम क्या खा रही हो? पता है ये कितनी भारी होती है।